चौराहे में अड़ंगा बनी मां को बेटी ने उतरवाया मौत के घाट। प्रेमी ने तीन साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। यूपी के कौशाम्बी में चरवा थाना क्षेत्र के चकुआ गांव में 13 दिन पहले महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने उसकी सगी बेटी व चार अन्य को ही हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल महिला की छोटी शादीशुदा बेटी का गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी महिला को थी और वह बेटी को अपने शौहर के घर जाने की बात कहती थी। इतना ही नहीं, प्रेमी से मिलने पर भी रोक लगाती थी। आरोपी बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी अधेड़ से हुई थी। वह लगातार अपने प्रेमी से मिलती थी। माँ ने प्रेमी से मिलने पर पाबंदी लगा दी। उसने प्रेमी को सारी दास्तान बताई। प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 7 अगस्त की रात 8 बजे जब महिला गांव के बाहर एक बाग में शौच के लिए गई तो प्रेमी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर महिला के सिर पर डंडे से मारकर हत्या कर दी और लाश को झाड़ियों में छुपा दिया था। चरवा पुलिस व SOG टीम ने मोबाइल के कॉल डिटेल से बेटी व उसके प्रेमी और तीन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SSP समर बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। मामले में चरवा थाना क्षेत्र में शुरुआत में महिला की हत्या हुई थी, जिसकी डेड बॉडी के घर के थोड़ी दूर से एक बाग में पाई गई थी। उसमें पुलिस ने काफ़ी दिनों से प्रयास पुलिस कर रही थी और उस प्रयास में आज सफलता मिली है। पुलिस मृतका की बिटिया और उसके प्रेमी और अन्य लोग मिलकर उसकी हत्या की थी, जिसका खुलासा आज पुलिस ने किया है। अभी उसको जेल भेजा गया। वजह क्या बताई जा रही है हत्या के पीछे? वजह ये बताई जा रही है कि मृत जो लड़की है उसकी शादी हो गई थी और उसके पति की एज ज़्यादा थी। उसकी माँ दबाव बनाती थी तुम जाओ, और वो जाना नहीं चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। इस कारण से उसने देखा कि हमारी माँ लगातार दबाव बना रही है और वो एक और आदमी है जिसकी जमानत को कराना चाह रही है। उस जमानत को कराने के बाद इस पर दबाव बन जाएगा। उसकी माँ धमकाती भी रहती थी, इस बीच उनके कई झगड़े भी हुए आपस में माँ बेटी में, इसी कारण से। तो क्या ये माँ बेटी किसी मामले में जेल भी जा चुकी है क्या? हाँ, पूर्व में गोकशी के मामले में ये जेल जा चुकी है।